बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 24 एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इस सेकेंड लेक्चर में हम जो है वो IR टेक्निक को, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस जो लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें हमने ये चीज़ नोट डाउन की थी कि बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैटर के साथ फॉल करवाते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस IR रेडिएशंस होंगी और मैटर पे हम फॉल करवा रहे हैं तो उस टेक्निक को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले आप रेंज नोट कर लें। ठीक है, द वेवलेंथ इन द IR रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम 2.5 टू 16 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये वेवलेंथ बताई हुई है और इसका यूनिट भी आप चेक कर लें, माइक्रोमीटर में बताया हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इसको वेव नंबर में लेना चाहते हैं तो वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास रेंज है 4000 टू 625 पर सेंटीमीटर, तो ये वेव नंबर है। ठीक है, एंड हैव सफिशेंट एनर्जी टू वाइब्रेट द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। अब हमने क्या देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाएंगे मैटर के ऊपर, ठीक है, तो हमारे पास फोर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक है, वो क्या क्या फोर चेंजेस थी? ये बॉन्ड या तो वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है, या रोटेट कर सकता है, यानी एनर्जी अगर रेडिएशंस की कम है। ठीक है, और अगर तो आप हाई एनर्जी रेडिएशंस जो है वो फॉल करवाएंगे, फिर हमारे पास क्या हो सकती है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकती है, ठीक है, या बॉन्ड क्लीव कर सकता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर IR रेडिएशंस ले रहे हैं जो कि लो एनर्जी रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो वो बॉन्ड को वाइब्रेट करने की एबिलिटी रखती हैं। ठीक है, ये आपने मस्ट नो डाउन करना है। तो अब हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एज द IR रेडिएशंस हैव लो एनर्जी एंड कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल मोशंस विद इन द मॉलिक्यूल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ऑलरेडी हमें पता है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो ऑल द टाइम मोशन में होते हैं। ठीक है, अगर वो वाइब्रेट कर रहे हैं और ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेडिएशंस फॉल कराने के बाद उनकी वाइब्रेशनल मोशंस जो हैं वो अफेक्ट होंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट पॉइंट आपने यूजेस का याद रखना है। हर टेक्निक का यूज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर हम IR रेडिएशंस फॉल करवाएंगे तो हमें उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, द IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब, द IR रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज यूज टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स। ठीक है, यानी आपके जो भी मॉलिक्यूल है, सैंपल है, उसमें किस किस्म के बॉन्ड्स हैं, मीन्स के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो ये हर तरह का बॉन्ड जो है वो ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करेगी ये स्पेक्ट्रम एंड द फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर डिटेक्शन हो गई है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कार्बन हाइड्रोजन अलॉन्ग विद डबल बॉन्ड, यानी ऐसा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ है, तो इट मीन्स कि ये एल्डिहाइड ग्रुप डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगेन वो हम पता कैसे करेंगे, लिटरेचर में ऑलरेडी टेबल मौजूद होता है, वहाँ पे बॉन्ड्स के आगे पीक्स लिखी हुई हैं। जब आप अपना अननोन मॉलिक्यूल देकर स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा जो है वो लेंगे, ठीक है, तो उसकी पीक्स जिस जिस जगह पर आ रही हैं तो आप टेबल से उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके मॉलिक्यूल में कौन कौन से बॉन्ड्स हैं और कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, रेंज, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं इसको और इसके यूजेस। अब आ जाता है इसका बेसिक प्रिंसिपल जो कि मेनली क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप डिफाइन कर दें, ठीक है, एक्सप्लेन कर दें। तो इसके आपके पास सिक्स पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आप नोट डाउन कर लें और उसी तरीके से आपने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो लिखना है।
अब देखिए सिंपल बात स्टार्ट हो रही है, एज द मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, कोई एक मॉलिक्यूल अगर कोई भी हो हमारे पास तो वो उसके उसमें ज़्यादा सारे एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। दीज एटम्स कॉन्टीन्यूसली अंडरगो वाइब्रेशन एंड रोटेशन। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट हर वक्त मोशन में होते हैं, ठीक है। अब वो मोशंस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, वो अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले तो अगर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन से यानी एक्स एक्सिस जा रहा है या वाई एक्सिस जा रहा है या जी एक्सिस जा रहा है तो इट मींस कि हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर तो ये देखें जिस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है और ये अगर इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा तो अगर ये वन हाइड्रोजन है और ये टू हाइड्रोजन है, ठीक है, आफ्टर रोटेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा और फर्स्ट हाइड्रोजन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, इसको हमने रोटेट करवा दिया। इसी तरीके से हमारे पास रोटेशन जो है वो थ्री एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है और जी एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, ठीक है। तो रोटेट करके मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोजिशन चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशन और देन हमारे पास वाइब्रेशंस भी होती हैं। वाइब्रेशंस भी अब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर देख लें सिमेट्रिक वाइब्रेशंस। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, दरमियान में हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये टू हाइड्रोजन्स हैं हमारे पास। तो अगर तो हमारे पास दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स सेम, दोनों ही दोनों पहले स्ट्रेच करें, ठीक है, और फिर कंप्रेस करें, ठीक है, एक साथ स्ट्रेच करें और एक साथ ही कंप्रेस करें, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हो जाएंगी, ठीक है। और अगर क्या हो कि एक जो है वो स्ट्रेच कर रहा है लेकिन दूसरा कंप्रेस कर रहा है तो हमारे पास कुछ इस तरह से बॉन्ड में चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, एक स्ट्रेच कर रहा है और एक कंप्रेस कर रहा है। अब पहले वाला जो है वो स्ट्रेच करेगा और दूसरा वाला कंप्रेस करेगा तो ये एसिमेट्रिक हो जाएंगी, ठीक है, वाइब्रेशंस, या एंटीसिमेट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से रॉकिंग, सिजरिंग ये भी है हमारे पास, यानी दोनों के दोनों बॉन्ड्स जो हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, एक साइड पे मूव कर रहे हैं या फिर दूसरी साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, तो ये रॉकिंग हो जाएगा। रॉकिंग तो इस तरीके से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस तरीके से अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आप फंक्शन में एंजॉय कर रहे हैं, आप दोनों हैंड्स ऊपर करके दोनों हैंड्स एक साइड पे लेके जाते हैं फिर दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये रॉकिंग हो जाता है, ठीक है। सीजरिंग तो हमें पता है सीजर जैसे चलती है, दोनों या तो इनसाइड आ रहे हैं या आउटसाइड आ रहे हैं, देखिए दोनों इनसाइड आएंगे या फिर दोनों आउटसाइड जाएंगे तो ये सीजरिंग वाइब्रेशंस हो जाएंगी। इसी तरीके से वैगिंग एंड ट्विस्टिंग में आउट ऑफ प्लेन आना है, ठीक है, यानी ये जो बोर्ड का प्लेन बना हुआ है ये दोनों एट अ टाइम आउट ऑफ द प्लेन यानी बाहर की साइड आएंगे और दोनों इनसाइड जाएंगे, ठीक है, तो ये वैगिंग हो जाएगी एक साथ बाहर और अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ट्विस्टिंग हो रही है तो दोनों एटम्स में से एक एटम जो है वो इनसाइड जा रहा है, एक आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, फिर अब दूसरा वाला जो है वो इनसाइड जाएगा, ये वाला आउटसाइड आएगा, तो ये हमारे पास ट्विस्टिंग हो जाएगी। तो ये अगर आप नेट पे इनकी टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशंस की एनिमेशन देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ये बताने का मकसद ये था, मीन्स कि हमें पता चले कि मॉलिक्यूल जो है वो किस किस टाइप की वाइब्रेशंस यानी मोशंस शो कर सकते हैं, वाइब्रेशंस, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, हर तरह की जो है वो मोशंस शो कर सकते हैं, ओके। अब जब हमें पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल्स ऑल द टाइम उनके बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं या रोटेट कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आयन रेडिएशंस हैव लो एनर्जी एंड कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं बिल्कुल स्टार्ट यानी इसकी डेफिनेशन में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि ये जो आयन रेडिएशंस होती हैं ये बहुत लो एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, ये बॉन्ड को रोटेट भी नहीं करवा सकती, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट भी नहीं करवा सकती और बॉन्ड ब्रेक भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ जो है वो वाइब्रेट करवा सकती हैं मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को, ठीक है, यानी ऑलरेडी जो वाइब्रेशनल मोशन हो रही है उसमें चेंजेस ला सकती हैं, ठीक है। अभी पॉइंट देख लें, आई आर रेडिएशंस हैव लो एनर्जी एंड कैन अफेक्ट द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी वो जिस एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे थे जब आप ये वाली एनर्जी भी फॉल करवाएंगे, ठीक है, और ये इसने भी वाइब्रेशनल एनर्जी को जो है अफेक्ट करना है तो उनकी वाइब्रेशंस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। देन क्या होगा,
एज पोलर मॉलिक्यूल्स आर आई आर एक्टिव सो ड्यूरिंग वाइब्रेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर मीन पोजिशन अकर्स एंड कॉजेज अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब स्टूडेंट्स ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, ये वाला पॉइंट बेसिक प्रिंसिपल में, और वो जब लिखते हैं ना तो वो ये वाला पॉइंट स्किप कर देते हैं, ठीक है. लेकिन फिर जब एग्जामिनर चेक करता है तो वो आपको मार्क्स ही नहीं देता कि बेसिक जो फोर्थ पॉइंट था, जो असल चीज़ थी, वो तो आपने एक्सप्लेन ही नहीं की, ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे ना वही आईआर एक्टिव होंगे, ठीक है. इट मींस के हमारे पास जब वाइब्रेशनल मोशंस हो रही हों तो मॉलिक्यूल का कोई ना कोई अपना डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है. अच्छा, अब डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए, मतलब वो अगर पोलर होगा तो इसका मतलब है उसका अपना कोई ना कोई डायपोल होगा, ठीक है. और सो ड्यूरिंग वाइब्रेशन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर मीन पोजिशन अकर्स एंड कॉजेज अ चेंज इन द डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. अब इसको अंडरस्टैंड कर लें ज़रा. जैसे कि हम कहते हैं कि वाटर जो है ना वो पोलर है, ठीक है, हम यूँ करके वाटर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं वाटर पोलर है जी. लेकिन जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना तो हम कहते हैं कि ये मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ठीक है, जो पोलर चीज़ है उसको हम इस तरह से शो करते हैं एरो के साथ. मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है ना वो ऑक्सीजन की तरफ है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है. तो ये डायपोल मोमेंट हम शो करते हैं. लेकिन जैसा कि हमने देखा कि ये बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एंटी सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हो रही हैं, ठीक है, तो ये देखें एक जो है वो स्ट्रेच कर गया और एक कंप्रेस कर गया, तो इसका मतलब है कि इसका इसके डायपोल मोमेंट में चेंज आ गया, ठीक है, इसके डायपोल मोमेंट में लिटल चेंज आ गया, क्योंकि वो अपनी जो उसकी प्रॉपर मेन पोजीशन थी, ठीक है, उससे वो हट गया, ठीक है, उससे हट गया, यानी यहाँ पर इसकी मेन पोजीशन थी उसे स्ट्रेच कर कंप्रेस करके इनसाइड चला गया, और ये मेन पोजीशन थी और इससे स्ट्रेच करके वो बाहर वाली साइड पर आ गया, ठीक है. तो यहाँ से आपने ये आइडिया लगाना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि जब भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स वाइब्रेट कर रहे होंगे तो उसके डायपोल में चेंज आ रहा होगा, ठीक है, डायपोल उसका कांस्टेंट नहीं रह सकता. तो ये जो चेंज इन डायपोल मोमेंट आ रहा है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट नोट कर लें, ठीक है, टोटल सिक्स पॉइंट्स हैं. This changed dipole interacts with electric field of IR radiations. अब molecule vibrate किए जा रहा है, ठीक है, उसके जो dipole moment है उसमें change आ रहा है, ठीक है. अब वो change dipole किसके साथ interact करता है, जो आप radiations fall करवा रहे हैं ना उसकी electric field के साथ. अब यहाँ पर एक और बात note down कर लें कि जो हमारे पास electromagnetic radiations होती हैं ना, ये आपने physics में भी पढ़ा होगा, ये आपके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए वैसे, के जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों होती हैं, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मूव कर रही होती हैं. फॉर एग्जांपल, अब ये अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मूव करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लूप हम अप साइड ड्रॉ करेंगे, एक डाउन साइड, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, टॉप बॉटम या अप एंड डाउन, ठीक है. और अब हम यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक पोर्शन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैग्नेटिक पोर्शन अगर करने लगे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल जो है वो मूव करता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, ये इनसाइड आउटसाइड, ये इनसाइड और ये आउटसाइड, ठीक है, इस तरीके से. तो अब यहाँ पर जो मैंने रेड में शो किया है इलेक्ट्रिक पार्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आई आर रेडिएशंस, ठीक है, वो इंटरेक्ट करती है डायपोल, जो डायपोल चेंज हो रहा है उसके साथ इंटरेक्ट करती है. तो अब वो कैसे इंटरेक्ट करती है वो भी आप नोट डाउन कर लें. अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास बॉन्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑल द टाइम वो वाइब्रेट कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड शो हुई हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, और इन साइड आपको बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और उसकी बॉन्ड जो होता है ना उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव साइड होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जैसे कि हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव शो किया है, ठीक है. तो ये इस तरीके से होगा.
अब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं, हम आयर रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है वो इन वाइब्रेशंस को और ज्यादा तेज कर रहा है। कैसे तेज कर रहा है? अगर कोई कंप्रेस हो रहा था बॉन्ड, ठीक है, तो देखिए अब अगर कोई स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है, तो ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको और ज्यादा स्ट्रेच कर लेगा। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव और ज्यादा स्ट्रेच कर लेगा, मींस उसकी जो स्ट्रेचिंग है ना और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर कोई बॉन्ड कंप्रेस कर रहा था तो अब ये फील्ड जो है वो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगी और इस बॉन्ड को और ज़्यादा कंप्रेस कर देंगी। यानी पहले भी वो कंप्रेस कर रहा था बॉन्ड, लेकिन अब जो है वो और ज़्यादा कंप्रेस कर रहा है। ठीक है, और इसके पोल्स चेंज क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के पोल्स चेंज क्यों हो रहे हैं, ये भी नोट करें, क्योंकि आपने ये फिजिक्स में देखा होगा कि जब हम कहते हैं ना यानी उस ऑल्टरनेट करंट है, तो यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो पोल चेंज होता रहता है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो इस तरह से होता है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किस तरह से जो हमारा मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो ऑल द टाइम वाइब्रेशन रोटेशन शो करते रहते हैं। ठीक है, और आयर रेडिएशंस वाइब्रेशनल मोशन को अफेक्ट करती हैं, और जब मॉलिक्यूल ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा था तो उसका जो डायपोल मोमेंट था वो कांस्टेंट नहीं था, वो चेंज हो रहा था, तो जो डायपोल मोमेंट जो चेंज हो रहा था, ठीक है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरैक्ट करती है, ठीक है, और उसको और ज़्यादा उन वाइब्रेशंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो अब आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा, फिफ्थ पॉइंट, कि दिस चेंज्ड डायपोल इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आईआर रेडिएशन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ वाइब्रेशन एंड रोटेशन, सॉरी रोटेशन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन की बात करें, इंक्रीजेस द रेट ऑफ वाइब्रेशन। एंड फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट बॉन्ड्स एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इससे बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स ही डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ हमने लास्ट पॉइंट में ये बात की है कि डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशंस अब्जॉर्ब करेंगे, आईआर रेडिएशंस। ठीक है, क्योंकि हम आईआर रेडिएशंस की एक रेंज फॉल करवा रहे हैं ना, ठीक है, 2.5 से 16 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो वहाँ पे अब सी एच बॉन्ड है वो अपनी जो सूटेबल वेवलेंथ होगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, सी ओ बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, हर एक अपना अपना जो है वो करेगा, और आप अपनी बुक में जो है टेबल देख सकते हैं। ठीक है, उन टेबल की वैल्यूज याद नहीं करनी, लेकिन जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे उसको आपने याद करना होगा। तो ये 6 पॉइंट्स थे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, अब जो है वो हम देखेंगे कि वाइब्रेशन की टाइप्स कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती हैं, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल डज नॉट चेंज, ओनली द बॉन्ड लेंथ चेंज, जैसे कि हमने स्ट्रेच एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक देखी थी। ठीक है, उसमें स्ट्रेच कर रहा है ना बॉन्ड, अब यहाँ पर है। ठीक है, अब ये दोनों बॉन्ड्स अगर स्ट्रेच करेंगे सिमेट्रिक में तो दोनों एक साथ लॉन्ग हो जाएंगे लेंथ में। ठीक है, और अगर कंप्रेस करेंगे तो इस तरह से होगा, लेकिन इनका एंगल चेंज नहीं हो रहा, ये देखें एंगल सेम ही रहेगा। ठीक है, और दूसरी है वो बेंडिंग वाइब्रेशंस हो सकती हैं, उसमें क्या हो सकता है, बॉन्ड एंगल चेंजेस बट बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम, जैसे कि सीजरिंग में क्या हो रहा था कि अगर हमारे पास यूं था दो हाइड्रोजन से, ठीक है, दोनों सेम एट ए टाइम इनसाइड आ रहे होंगे, ठीक है, तो उनका एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले ज़्यादा था एंगल, अब कम हो गया, और अगर दोनों एट ए टाइम जो है वो आउटसाइड जा रहे हैं, ठीक है, तो एंगल इंक्रीज कर जाएगा, तो अब एंगल इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ आयर स्पेक्ट्रम। तो ये पेपर में आपके पास अलग से भी आ सकता है क्वेश्चन कि आपकी बुक पे प्रोपानोन दिया हुआ है, प्रोपानोन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दें। सबसे पहले जब आपने स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है तो आप बताएं कि स्पेक्ट्रम हम ड्रॉ किस तरह करते हैं। ठीक है, आयर स्पेक्ट्रम शोज डाउनवर्ड पीक्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के, कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें अपवर्ड पीक्स होती हैं, कुछ में डाउनवर्ड, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आईआर स्पेक्ट्रम में कौन सी पीक्स होती हैं, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रम आप जब बुक में भी देखेंगे तो वो इस तरह से है, इस तरह ये डाउनवर्ड पीक आई, फिर ये पीक आई। ठीक है, कोई ब्रॉड पीक हो सकती है, कुछ स्मॉल पीक्स हो सकती हैं, तो डाउनवर्ड पीक्स शो कर रहे हैं विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू, और वो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं,
परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ऑन वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस वाई एक्सिस पे शो करेंगे, एंड वेव नंबर ऑन वेव नंबर ऑन एक्स एक्सिस. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा ये स्पेक्ट्रम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा. आप परसेंटेज ट्रांसमिटेंस को भी ले सकते हैं, आप एब्जॉर्बेंस को भी ले सकते हैं ऑन वाई एक्सिस. ठीक है, इसी तरह से आप एक्स एक्सिस पे आप वेव नंबर के अलावा अगर आप वेव लेंथ या फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली आपका जो वो आई आर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो आपको स्पेक्ट्रम दे सकता है. ठीक है, तो आपकी बुक में दो टर्म्स लिखी हैं, ऑर्डिनेट और एप्सिका. ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहते हैं और एप्सिका एक्स एक्सिस को कहते हैं, तो आप सिंपल एक्स और वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये आप सिंपल देखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और ये वेव नंबर. ठीक है, ये सारा वेव नंबर में दिया हुआ है. ठीक है, और ये ड्रॉ हुआ हुआ. अब आयर स्पेक्ट्रम, आयर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ यूज टू आइडेंटिफाई. तो ये हम तो बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या क्या आइडेंटिफाई करती है, वही हमारे पास आयर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी आइडेंटिफाई करता है. क्या आइडेंटिफाई करता है? बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ठीक है, ये पॉइंट मस्ट लिखना है. फिर उसके बाद हमारे पास आयर के जो स्पेक्ट्रम है उसके टाइप्स ऑफ आयर स्पेक्ट्रम रीजन्स. तो हमारे पास टू स्पेक्ट्रम रीजन्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, या उनको हम टू में डिवाइड कर देते हैं. देयर आर टू इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन रीजन्स इन आईआर स्पेक्ट्रम, फिंगरप्रिंट रीजन एंड फंक्शनल ग्रुप रीजन. ठीक है, अब फिंगरप्रिंट रीजन के लिए आपने तीन पॉइंट्स लिखने हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए एक पॉइंट लिखना है. ठीक है, सबसे पहले तो आप उसकी रेंज मस्ट याद करें ऑब्जेक्टिव के लिए. ठीक है, 600 to 1500 per centimeter. वैसे आपने टोटल क्या पढ़ा था? 4000 से 625. तो ये 600 या 625 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, 4000 से 600 टोटल रेंज है. ठीक है, और 4000 से 1500 तक फंक्शनल ग्रुप रीजन है. ठीक है, और 600 से लेकर या 625 भी आप कह सकते हैं, उससे 1500 तक हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन है. ठीक है, ये रेंज हो गई. द एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड. क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट है, जैसे हमें पता है कि हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट उसका अपना ही होता है. ठीक है, वो किसी से मैच नहीं करता, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये रीजन इज अ दिस रीजन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड एंड डिफरेंट कंपाउंड विल गिव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन पीक्स इन दिस रीजन. तो कंक्लूजन क्या है? हेंस दिस रीजन इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, अगर आपने फुली स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है तो इस फिंगरप्रिंट रीजन से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप रीजन, उसकी रेंज देख लें, 1500 से 4000 per centimeter. ये वेव नंबर दिया हुआ है. ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स शो एब्जॉर्प्शन इन दिस रीजन. अब ये है कि देखें, अगर आपने टू एल्डिहाइड्स का ही स्पेक्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका फंक्शनल ग्रुप रीजन वाला पार्ट एक ही जैसा होगा, क्योंकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स में एक ब्यूटेन एल्डिहाइड और एक पेंटेन एल्डिहाइड है. ठीक है, तो ब्यूटेन एल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, पेंटेन एल्डिहाइड में भी एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उनका जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन सेम होगा. ठीक है, और लेकिन उनका फिंगरप्रिंट रीजन डिफरेंट होगा. अब आपने एग्जांपल देनी है इसके बाद. ठीक है, फिंगर फंक्शनल ग्रुप रीजन के बाद आपने एग्जांपल बतानी है जो आपकी बुक में प्रोपानोन, बस उसी की बतानी है. ठीक है, सेकेंड ईयर के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जो है वो इसको हम पढ़ेंगे टेक्निक को. इन द स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपानोन द स्ट्रॉन्ग पीक एट अबाउट 1720 per centimeter कॉरिस्पॉन्ड्स टू सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, कार्बोनाइल बॉन्ड, एंड द वीकर एब्जॉर्प्शन एट 3000 per centimeter कॉरिस्पॉन्ड्स टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. अब एक ही स्ट्रॉन्ग पीक आई हुई है, एक ही वीक पीक आई हुई है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब क्योंकि अगर हम प्रोपानोन स्ट्रक्चर देखें तो प्रोपानोन में तो कार्बनिल तो हमारे पास एक ही है. ठीक है, कार्बनिल ग्रुप एक ही है, सी डबल बॉन्ड ओ प्रोपानोन में. लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे जाएं तो वो हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. ठीक है, तो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वीक क्यों आ रही है और एक कार्बनिल की स्ट्रॉन्ग क्यों आ रही है? ठीक है, तो इसकी रीजन भी साथ ही आप लिखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन पीक इज अ वीकर इवन दो देर आर मोर हाइड्रोजन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द पीक इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ. यानी बॉन्ड खुद
जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस किस्म का बॉन्ड है, स्ट्रांग है या वीक है, पोलर है नॉन पोलर है. वैसे नॉन पोलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन कम पोलर है या ज़्यादा पोलर है, ठीक है, वो बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक है, उसकी वजह से बॉन्ड पी की स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स. यानी अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है तो पी ज़्यादा स्ट्रांग है, ये ऐसा नहीं होता. तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में ये वाली लाइन, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द पीक है वो किस पे डिपेंड करती है आईआर में, ठीक है. तो हम बताएंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द पीक इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द बॉन्ड इटसेल्फ, ठीक है, यानी बॉन्ड की खसूसियत है, ये बॉन्ड जैसा है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है पीक आएगी, स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है, नॉट द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक हो गया. और इसके बाद आपने प्रैक्टिस भी थोड़ी करनी है प्रोपानोन का जो है वो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने की, ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है. ये आप इस तरह से एक लाइन लगाएं, इधर से लाइन लगाएं, ये परसेंटेज ट्रांसमिटेंस लिखें यहाँ पे, ठीक है, और इधर आप जो है वो वेव नंबर लिखें, यहाँ पे वेव नंबर भी लिखा होना चाहिए था ना, वेव नंबर पर सेंटीमीटर, ठीक है, वो लिख लें. उसके बाद ये वाला रीजन हमने बताया कि फंक्शनल ग्रुप रीजन है, ये जो है वो हमने बताया फिंगरप्रिंट रीजन है, ठीक है. और उसके बाद जो है वो थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो 3000 पे एक शो करनी है और एक 1720 पे, और बाकी कुछ दो पीक्स वगैरह शो कर दें. इनको बेशक आप शो ना करें, ठीक है, इनको आप ना शो करें, सिंपल आपकी जो बुक में बनी हुई है उनको आप शो कर दें, ठीक है, 1720 और 3000 के करीब आपने पीक्स प्रॉपर शो करनी है, ठीक है. ये सी एच की देखें वीक पीक है और इसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. नाउ द लास्ट पार्ट के हम जो है वो नोट्स मेकिंग कैसे करेंगे, मतलब एग्ज़ाम्स में किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसको देख लें. अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने सबसे पहले जो है रेंज, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूजेस बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल में आपने इस तरह से लिखना है. यानी आपने पहले बताना है ना कि मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली अंडरगोइंग वाइब्रेशन एंड रोटेशन. तो अब आपने वाइब्रेशन की टाइप्स बता देनी है, ठीक है, यहीं पर. और फिर आपने उसके बाद जो है वो चार पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ठीक है, कि किस तरह से आयर रेडिएशन लो एनर्जी होती हैं और डायपोल मोमेंट में चेंज आता है, और फिर डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ आयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और एट द एंड जो है वो हम जो है वो इन एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, इससे हम बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं. तो आपने प्रॉपर इसी तरह सिक्स पॉइंट्स लिखने हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा स्पेक्ट्रम, कि आप स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम में कि वो क्या क्या डिटेक्ट करता है, बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करता है. फिर उसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे, वो डाउनवर्ड पीक्स होती हैं और वाई और एक्स और वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे. फिर उसके दो रीजन्स होते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन के तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप और शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप रीजन का एक ही पॉइंट है और उसमें साथ एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और पास्ट बोर्ड एग्जाम्स में ये एग्जांपल भी पूछी गई है कि भाई आप जो है ना स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपानोन एक्सप्लेन कर दें. अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा ना, स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपानोन एक्सप्लेन कर दें, तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे पास ड्रॉ किस तरह से होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आप ज़रूर बताएंगे. फिर आप आईआर स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये बेशक फिंगरप्रिंट रीजन और ये वो सारा कुछ ना बताएं, अगर एक एक लाइन में बता भी दें तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो ड्रॉ करेंगे ना स्पेक्ट्रम, तो आप उस पर खुद भी शो कर रहे हैं ना. तो ये वही लाइन लिखने के बाद आप जो है वो इधर आ जाएं, ठीक है, यानी प्रोपानोन की ये एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है, ठीक है, तीन नंबर में. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस. तो आप देख लें कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में से बोर्ड एग्जाम्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है. ऑब्जेक्टिव 2019 फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, 2.5 से 16 माइक्रोमीटर, ठीक है. अच्छा, 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो वो दो पार्ट्स में आया है, 1.5 1.5, एक तो एनएमआर का है और दूसरा ये देखें
व्हाट इज पर सेंटीमीटर इन आईआर स्पेक्ट्रम. तो आईआर स्पेक्ट्रम में हमारे पास वाई एक्सिस पे परसेंटेज ट्रांसमिटर्स एब्जॉर्बेंस होती है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वेव नंबर, वेवलेंथ, वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये हमारे पास वेव नंबर है, ठीक है. यानी अगर आईआर स्पेक्ट्रम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के दरमियान में ड्रॉ किया गया है तो वेव नंबर जो है उसका यूनिट जो होता है पर सेंटीमीटर होता है. तो ये पर सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, दिस इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर दैट इज ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस इन द आईआर स्पेक्ट्रम, ठीक है. फिर आपने आईआर स्पेक्ट्रम ड्रॉ भी करना है, ठीक है. ड्रॉ करके हल्का सा बता दें, सिंपल सा. 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास अगेन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, इन आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अ स्ट्रॉन्ग पीक एट 1720. अब ये देखिए, हमने प्रोपानोन की एग्जाम्पल याद की हुई है, हमने उसका वो भी ड्रॉ करना है, ठीक है, स्पेक्ट्रम भी. तो हमें पता है कि 720 पे कार्बोनिल की पीक आती है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद होना चाहिए. 2018 सप्ली एग्जाम्स में देखिए पूछा गया हुआ है, डिस्कस आयर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोपानोन. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है. ड्रॉ मस्ट करना है आपने, और स्टार्ट इस तरह से करना है कि इसको हम आयर स्पेक्ट्रम जो है वो हमें क्या बताता है और उसके एक्स और वाई एक्सिस पे क्या होता है और उसके टू रीजन्स होते हैं, ठीक है. रीजन्स की डिटेल बेशक ना बताएं लेकिन एग्जाम्पल आगे डिटेल से बताएं. 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग पेपर में आपके पास क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन वाइब्रेट द बॉन्ड्स. तो अब हमने पढ़ लिया आयर रेडिएशन बॉन्ड्स को वाइब्रेट करवाती हैं, हमने तो इस पूरी टेक्निक में पढ़ा यही है. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन ऑन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ये देखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है. तो अभी तो आपने बाकी टेक्निक्स पढ़ी ही नहीं है, आपने सिंपल आयर ही पढ़ी है. तो आप आयर रेडिएशन का इफेक्ट बता सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, कि आयर रेडिएशन बेसिकली क्या करती हैं, ये लो एनर्जी रेडिएशन होती हैं जैसे कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा, और दे कैन इफेक्ट कॉज या दे कैन कॉज चेंज इन दी वाइब्रेशनल मोशंस ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है. तो तीनों में आपने एक एक पॉइंट लिखना है तो तीनों का एक एक नंबर मिल जाएगा. 2017 सेपली एग्जाम में क्वेश्चन है, आयर रेडिएशन आर इन्वॉल्व इन. तो आयर रेडिएशन किस में इन्वॉल्व होती हैं, वही बात आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्वॉल्व हैं. तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बच्चों को जो एज देने के लिए, मार्क्स देने के लिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, एग्जाम्स में कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी नोट डाउन कर लिया है, ठीक है. आपने उसको अपने पास नोट डाउन कर लेना और इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड लेक्चर में जो है वो हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक्सप्लेन करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको एग्जाम्स में किस तरह से अटैम्प्ट करना है वो देखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स. थैंक यू.